आज जब दुनिया युद्ध, अपराध और कई दूसरे टकरावों से जूझ रही है, ऐसे में शांति अमन का पैगाम एक दूसरे तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसी सोच को सामने रखते हुए शिरडी के साईं बाबा मंदिर में कई देशों से आए श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे। बाबा के ये विदेशी भक्त उनके दिए शांति संदेश को दुनिया भर में साझा करना चाहते हैं। और यही नहीं, साईं बाबा के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के बारामती से भी एक पैदल यात्रा शिरडी मंदिर के लिए निकली। इस मौके पर एक खास और आकर्षक जुलूस निकाला गया। देखिए आस्था के रंगों से सजी हुई ये अनूठी सी तस्वीरें। ओम साईं श्री साईं जय जय का लयबद्ध होकर जाप करते बाबा के ये विदेशी भक्त हैं, जो विश्व में शांति का पैगाम देने निकले हैं। साईं के दर पर ये भक्त जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस, स्विस, ब्रिटेन और मलेशिया से पहुंचे हैं। साईं बाबा में गहरी आस्था लिए विदेशी धरती और परिवेश से आए ये श्रद्धालु भारतीय परिधान पहने थे। इन सभी ने साईं बाबा को अपने आचरण से मानवता के धर्म की सीख देने वाला बताया। यही वजह रही कि साईं बाबा के सबका मालिक एक वाले मंत्र से प्रभावित होकर ये विदेशी श्रद्धालु साईं दरबार पहुंचे। Basically, we are all one. Aham Brahmasmi. And so his philosophy is very important right now in the globe because he's a symbol, he's a messenger of peace, of love. And so he, through his life, through following his messages, we all can walk the path of Satya, Dharma, Shanti. एक तरफ शिरडी के साईं बाबा मंदिर में ये विदेशी श्रद्धालु साईं बाबा की समाधि के दर्शन कर उनका आशीर्वाद मांगते दिखे, तो वहीं बाबा के देसी भक्तों का जरा ये अलग अंदाज देखिए। दरअसल बाबा के दर्शन की खातिर बारामती से एक पैदल यात्रा निकाली गई, लेकिन इससे पहले आयोजित किए गए इस खास जुलूस ने इलाके की रौनक मानो बढ़ा दी। देवी देवताओं का किरदार निभाते ये कलाकार अपने खास परिधानों में लोगों का ध्यान खींचते दिखे। दरअसल महाराष्ट्र के बारामती में शिरडी के साईं बाबा दर्शन के लिए श्रद्धालु पैदल यात्रा पर निकले। इससे पहले आयोजित इस पालकी जुलूस में करीब 2000 लोगों ने भाग लिया। ये पैदल यात्रा बारामती की साई इच्छा ट्रस्ट की ओर से हर साल करवाई जाती है। बाबा के दर तक निकलने वाली पैदल यात्रा से पहले इस भव्य जुलूस की भी काफी चर्चा हुई, जिसमें महिलाओं की भागीदारी खास रही। बता दें कि बारामती से शिरडी साईं मंदिर तक पैदल यात्रा 11 दिन की है, जिसके बाद इन सभी को साईं बाबा का दर्शन करने को मिलेगा। फिलहाल तो ये बाबा की महिमा ही है, जिनके दर्शन शास्त्र से प्रभावित करोड़ों की तादाद में देसी ही नहीं विदेशी श्रद्धालु शिरडी में दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में रुपया, पैसा, सोना, चांदी और कई और बहुमूल्य चीजों का दान भी होता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2022 में 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक 400 करोड़ 17 लाख रुपए दान आया था, जो खुद में एक रिकॉर्ड ब्रेक चढ़ावा था। शिरडी से नितिन मिराणे और बारामती से वसंत मोरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।